सो हेलो गाइस, यार कैसे हो आप सब। मैं हूँ अंशु और आपका दोस्त। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एकदम प्रूफ करने वाला हूँ कि फायर बटन का साइज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता ड्रैग हेडशॉट के ऊपर। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, सब्सक्राइब करने से आपको सभी की सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और गाइस, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना यार। तो गाइस चलिए यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मोंटेज एकदम फायर बटन 100 साइज़ पे करने के बाद। तो गाइस देखते हैं कैसा हेडशॉट लगता है। सो गाइस, ये फायर साइज बटन 100 करने के बाद हेडशॉट। अब देखते हैं गाइस 50 कर लेंगे उसको या उससे भी कम कर लेंगे तो कितना हेडशॉट रेट बढ़ेगा या घटेगा, देखते हैं क्या होगा। तो गाइज़, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ हेडशॉट दिखा दिए और मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें ज़्यादा हेडशॉट लगते हैं या उसमें कम लगते हैं। तो गाइज़, मैंने पूरा एक घंटे तक खेला था, जिसमें से गाइज़ मैंने हाफ टाइम एकदम फुल साइज़ पे खेला था और मैंने हाफ टाइम एकदम उसको 50 से भी कम कर लिया था। तो मतलब उससे हाफ से भी कम कर लिया और फिर भी उतने ही हेडशॉट लग रहे थे जितने कि फुल साइज़ पे लग रहे थे। तो इससे प्रूव हो गया गाइज़ मुझे कि एकदम बिल्कुल भी ये फायर साइज़ पे डिपेंड ही नहीं करता। तो गाइज़, ये डिपेंड किस पे करता है, ड्रैग शॉट लगेगा या नहीं लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है। तो गाइस, ये आपको देखना है कि आप फायर बटन के किस पॉइंट पे टच कर रहे हो। तो गाइस, जो टच का पॉइंट होता है वहाँ से ड्रैग गिना जाता है, मतलब काउंट वहीं से होता है जहाँ से आप टच कर रहे हो। तो जितना आप ऊपर तक उठाओगे तो वो फायर बटन के उस पॉइंट से लेके उस ड्रैग पॉइंट के एंड तक वहाँ तक काउंट होगा। और दूसरा डिपेंड करता है ड्रैग की डायरेक्शन के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आप ड्रैग मारोगे तो आप नीचे से लेके ऊपर सीधा कर दोगे या फिर राइट ले जाके फिर ऊपर करोगे या नीचे करके फिर ऊपर करोगे। तो गाइस, ये तीनों में अलग अलग सिस्टम होता है। तो गाइस, इसमें देखिए मैं राइट करके फिर ऊपर किया था तब हेडशॉट लगा था, इसमें गाइस सीधा ऊपर नहीं किया। तो गाइस, एनिमी के अकॉर्डिंग अपने ड्रैग हेडशॉट को किस डायरेक्शन में मूव करना है तो वो इस पर डिपेंड करता है। सो गाइस यार, यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो एकदम कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट एकदम भर देना, पूरा यूट्यूब खाली पड़ा है यार, कमेंट्स खाली भरने के लिए तो है भाई, पूरा कमेंट्स एकदम भर दो जितने भी बंदे देख रहे हो। और गाइस, अगर किसको मुझसे कुछ पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। सो गाइस यार, नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए यार बाय बाय। और गाइस, ये गाना बताओ कौन सा है।